नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी हमें हाजीपुर बिहार की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है। दोस्तों, अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शिखा जी को प्रतिलिपि पर फॉलो करें, और अगर आप मेरी आवाज़ में ये कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें और कहानी का आनंद लें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। गांव की बड़ी हवेली में आज हलचल मची हुई थी। अपनी पूजा घर से कभी बाहर ना निकलने वाली बड़की अम्मा, जो हवेली की मालकिन और गांव की सबसे वृद्ध महिला थी, पूरी हवेली में घूम घूम कर उत्साह से नौकरों को निर्देश दिए जा रही थी। खबर ही कुछ ऐसी थी कि उनके पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बड़की अम्मा का भरा पूरा परिवार था, दो बेटे अनिल और सुनील, बहुए विभा और निभा, और उन दोनों के एक एक बेटे अजय और विजय, यानी बड़की अम्मा के दो पोते थे, उनकी आंखों के तारे। करीब 7 वर्ष पहले बड़की अम्मा ने धूमधाम से अपने दोनों पोतों का ब्याह रचाया था। सारी हवेली दो प्यारी सी नई नवेली दुल्हनों रीता और सुनीता के पायलों की झंकार से गूंजती रहती थी। लेकिन दोनों के ब्याह के वर्षों बाद भी हवेली में और कुछ नहीं गूंजी, और वो थी नन्हे बच्चों की किलकारी। बड़की अम्मा बहुत उदास रहती थी। उनकी इच्छा थी कि अपनी अगली पीढ़ी का मुख देखकर ही इस दुनिया से विदा ले। इस आस में उन्होंने दोनों बहुओं से अनेक व्रत उपवास करवाए। हवेली में आए दिन किसी न किसी पाठ का आयोजन होता रहता था। जिस मंदिर की या जिन जिन साधु महात्मा की ख्याति उनके कानों में पड़ती, दोनों बहुओं को उनके दर्शन के लिए भेज देती। लेकिन तब भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। आज 7 वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली, और दोनों बहुओं ने एक ही साथ बड़की अम्मा को खुशखबरी सुनाई। इस खुशी के अवसर पर बड़की अम्मा ने सारे गांव वालों को हवेली में दावत का न्योता दिया था, जिसकी तैयारियों का जिम्मा उन्होंने स्वयं लिया था। दोनों बहुओं को 7वां महीना लगते ही बड़की अम्मा ने धूमधाम से उनकी गोद भराई की। सभी लोग अब बेसब्री से बच्चों के जन्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, घर वालों ने एक अजीब सी बात महसूस की। जहां बड़ी बहू रीता के चेहरे पर दिनों दिन सेहत की चमक बढ़ रही थी, वहीं छोटी बहू सुनीता दिन प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही थी, मानो उसके शरीर में रक्त ही ना हो। जबकि दोनों बहुओं की खुराक आराम सब कुछ एक जैसा था। सब लोग ये देखकर चिंता में पड़ गए। बड़की अम्मा ने सुनीता को कई वैद्य से दिखाया, लेकिन कोई इस समस्या को नहीं सुलझा पाया। सब सुनीता और उसके बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। आखिरकार बच्चों के जन्म का वक्त आया। संयोग से दोनों बहुओं को एक साथ ही आधी रात में दर्द उठा। तुरंत गांव की सबसे अच्छी दाई को बुलाया गया। पहले रीता की तरफ से खुशखबरी आई, उसने एक स्वस्थ हष्ट पुष्ट बेटी को जन्म दिया था। उधर सुनीता की हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी दर्द भरी चीखों से हवेली गूंज रही थी। आखिरकार उसके भी दर्द का अंत हुआ, लेकिन साथ ही अंत हो गया उसके जीवन का। उसका पूरा शरीर यूं सूख गया था, मानो उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। उसकी बेटी भी बहुत ही बीमार
और कमजोर सी पैदा हुई थी। जैसे ही दाई ने सुनीता की मृत्यु की खबर दी, सारी हवेली में कोहराम मच गया। विजय इस खबर से इतना दुखी हो गया कि उसने अपनी बेटी का चेहरा देखने से भी मना कर दिया और बोला, इस मनहूस को भी मरवा दो बड़की अम्मा, जिसने कोख से ही अपनी माँ का खून पीना शुरू कर दिया था। ये तो पिसाचनी है, पिसाचनी। सभी के दिल में कहीं ना कहीं ऐसी ही बात दबी थी। बड़की अम्मा ने सबकी तरफ देखा और दाई को थोड़ा ज्यादा पैसे और उपहार देकर बोली, इस मनहूस को चुपचाप गांव के बाहर वाले जंगल में फेंक आओ और गांव वालों से कहना, सुनीता ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया था। दाई ने बच्ची को कपड़े में लपेटा और रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ चल दी। सुनीता की 13वीं के बाद धूमधाम से रीता और अजय की बेटी के जन्म का उत्सव मनाया गया। सबने विजय का दूसरा विवाह करना चाहा, लेकिन वो नहीं माना। अपनी पर पोती का नाम बड़की अम्मा ने चांदनी रखा था, जिसमें उनकी जान बसती थी। एक रात अचानक विवाह की दर्दनाक चीखों से हवेली गूंज उठी। पास में सोए उनके पति अनिल घबरा कर जागे तो देखा विवाह बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। उन्होंने जब इसकी वजह पूछी तो किसी तरह लड़खड़ाई जुबान से वो बोली, मुझे लग रहा है कोई अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में चुभा रहा है, मेरा खून पी रहा है। अब तक घर में सभी लोग वहां आ चुके थे, लेकिन उन्हें विवाह की गर्दन के पास कोई नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते विवाह ने दम तोड़ दिया। उसके दम तोड़ते ही सबने देखा कि उसका पूरा शरीर इस तरह पीला पड़ गया था मानो उसमें खून की एक बूंद ना हो। साथ ही उसकी गर्दन पर दांतों के निशान भी खतरनाक रूप से उभर आए थे। ये सब देखकर सभी लोग घबरा गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारी रात सबने दहशत भरी खामोशी में गुजार दी, जिसे बीच बीच में बस चांदनी की आवाज भंग कर रही थी। सुबह होते होते सब लोग थोड़ा संभले। बड़की अम्मा ने सबको मना कर दिया कि वो गांव में किसी को भी विवाह की मौत की वजह ना बताए। देखते ही देखते सारे गांव में मौत का अनोखा खेल शुरू हो गया। हर रात गांव के किसी एक घर के सदस्य की इसी तरह दर्दनाक चीखों के साथ मौत होने लगी और मृत शरीर का सूखकर पीला पड़ना, साथ ही साथ दांतों के निशान भी उन पर उभरने लगे। मरते हुए व्यक्ति की दर्दनाक चीख अब सारे गांव में सुनाई पड़ने लगी थी, जिससे सारा गांव थर्रा उठा था। कोई भी ना तो इसकी वजह समझ पा रहा था और ना ही ये अनुमान लगा पा रहा था कि अगली रात किसकी मौत आने वाली है। गांव के पुजारी ने भी अनेक जप अनुष्ठान किए, लेकिन इन मौतों की वजह नहीं जान पाए। सारे गांव में दहशत का माहौल था। घबराकर कुछ लोगों ने गांव छोड़कर जाने की योजना बनाई। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचे, अचानक ही वहां चारों तरफ आग फैल गई और एक डरावनी आवाज हवाओं में गूंजी, लौट जाओ, सब लौट जाओ, इस गांव से जिंदा बाहर नहीं जा सकते तुम सब। सब लोग रोते घबराते अपने घरों में लौट आए। देखते ही देखते हवेली के भी सभी सदस्य मृत्यु की गोद में समा चुके थे। बस रह गई थी तो बड़की अम्मा, चांदनी और एक नौकर शामू। गांव के अधिकांश घरों में भी मात्र एक या दो सदस्य बचे रह गए थे। इस मुसीबत का कोई हल ना पाकर अब सब बस चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चांदनी एक वर्ष की हो
होने वाली थी, लेकिन अब इस बात की खुशी मनाने वाला बचा ही कौन था। उस उदासी में बड़की अम्मा चांदनी को लेकर हवेली के आंगन में बैठी थी कि तभी चांदनी जोर जोर से रोने लगी। बड़की अम्मा और शामू ने उसे चुप कराने और बहलाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। तभी बड़की अम्मा ने देखा एक महिला अपनी गोद में लगभग एक वर्ष की बच्ची लिए चली आ रही थी। बड़की अम्मा के पास आकर उसने दुखी स्वर में कहा, अम्मा हमें और हमारी बिटिया को बचा लो, हम दोनों बेघर बेसहारा हैं, ना काम है ना पैसे और ना ही खाना। बड़की अम्मा उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने देखा चांदनी रोना भूलकर उस महिला की बच्ची के साथ खेलने लगी थी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और उस महिला से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम विंता और अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी बताया। साथ ही बताया कि वो गांव के बाहर मजदूरों की बस्ती में रहती है, ससुराल और मायके दोनों जगह से उसे निकाला जा चुका है। उसने गांव में कई लोगों से काम मांगा, लेकिन मौत की दहशत में घिरे उन्होंने मना कर दिया। बड़की अम्मा का नाम सुनकर वो यहाँ चली आई। बड़की अम्मा ने कहा, ठीक है, अब एक एक करके शिकार तो हम सबको होना है, तुम यहीं रहो, पता नहीं कब मुझे भी मौत आ जाए, अगर तुम जीवित रही तो मेरी चांदनी को संभाल लेना। जल्दी ही लक्ष्मी और चांदनी एक दूसरे से घुल मिल गई। विंता ने भी हवेली की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। अब गांव में गिनती के ही लोग रह गए थे। अचानक ही एक रात हवेली में शामू की भी मृत्यु हो गई। बड़की अम्मा के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। जब गांव के लोग शामू का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक अति वृद्ध महिला लाठी टेकती चली आ रही है। उनके घुटनों और कोहनियों पर गंभीर चोटों के निशान थे। उन्हें देखकर सभी गांव वाले हैरत से उनके पास पहुंचकर बोले, आप कौन हैं माताजी और इस गांव में कैसे आईं? यहां तो अब कोई नहीं आता और आपको इतनी चोट कैसे लगी? वृद्ध महिला बोली, बच्चों ये चोट तो एक दुष्ट शक्ति का प्रसाद है जिसने इस गांव में अपना घर बना लिया है और उसी के डर से अब कोई दूसरा गांव वाला यहाँ नहीं आता, पर मैं आई हूँ उसे पहचान कर तुम सबको बचाने और उसे उसकी सही जगह पहुँचाने। माताजी क्यों दुख की घड़ी में आप हमसे मजाक कर रही हैं? देखिए उसने आपको भी कितनी चोट पहुँचाई है, आप तो बिना लाठी के एक कदम चल भी नहीं सकती, भला आप हमें कैसे बचाएंगी? गांव वालों ने निराश होकर कहा। वृद्ध महिला फिर बोली, मैं जैसा कह रही हूँ बस करते जाओ, ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है और ना ही शक करने का, हमारे पास वक्त बहुत कम है, और रही मेरे चोटों की बात तो उनकी परवाह मत करो, मुझे इनकी आदत है। ना जाने इस बार उनकी आवाज में कौन सी सम्मोहिनी थी कि सभी गांव वालों ने हामी भर दी। माताजी के आदेश अनुसार सभी गांव वालों ने पुजारी बाबा के साथ मिलकर मंदिर में उनके ठहरने और साधना करने की व्यवस्था कर दी। शाम का सूरज अब ढलान पर था। माताजी ने पुजारी जी से कहकर गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलवाया। सबके आने पर माताजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी शक्ति से देखा है कि गांव पर एक खतरनाक पिसाचिनी का साया है जो लोगों का खून पीकर जीवित रहती है। पिसाचिनी का नाम सुनकर ही
कुछ लोग बेहोश हो गए। माताजी ने अपने पास रखा हुआ जल उन पर छिड़क कर उनकी बेहोशी दूर की और फिर बोली, तुम में से कुछ लोग तुरंत शमशान जाओ और एक चिता सजाओ, उसके बाद सब लोग वापस आ जाओ। अगर कुछ लोग अभी यहाँ नहीं हैं तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जाओ। कुछ लोग माताजी के आदेश अनुसार चिता सजाने चल दिए और कुछ बाकी लोगों को मंदिर पर बुलाने चले गए। हवेली से बड़की अम्मा, चांदनी, विंता और लक्ष्मी भी वहां पहुंचे। सबके आ जाने पर माताजी ने अपने हाथ में फूल लेकर एक मंत्र पढ़ा और उस फूल को हवा में उछाल दिया। वो फूल सभी गांव वालों के ऊपर से उड़ता हुआ सहसा लक्ष्मी के आगे जाकर गिर गया। माताजी अपने स्थान से उठ खड़ी हुई और गांव वालों की तरफ एक रस्सी फेंकते हुए बोली, यही है पिसाचनी, बांध दो इसे। माताजी की बात सुनकर बड़की अम्मा, विंता और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साल भर की ये बच्ची पिसाचनी थी जिसने इतने लोगों का खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। सबको जड़ की अवस्था में देखकर माताजी फिर बोली, पिसाचिनी अपना रूप बदलकर इंसानों के बीच रहने में माहिर होती है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी इसकी शक्ति भी बढ़ेगी, इसलिए जल्दी करो। इस बार माताजी की बात सुनकर कुछ गांव वाले आगे बढ़े और विंता की गोद से लक्ष्मी को छीनकर उसे रस्सी से बांध दिए। विंता को इस घटना से इतना बड़ा चोट पहुंचा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। माताजी ने गांव वालों से कहा कि वो विंता को उठाकर मंदिर की उनकी कोठरी में सुला दे और लक्ष्मी को लेकर शमशान चले। नन्ही सी बच्ची लक्ष्मी के रुदान से सारा आसमान गूंज रहा था, जो गांव वालों को पिघला रहा था। लेकिन पिसाचिनी के बारे में सोचकर फिर उनकी कोमल भावनाएं कठोर हो जा रही थी। बड़की अम्मा के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमा था। फिर भी वो विंता को अकेली नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन माताजी ने उन्हें पहले शमशान चलने और फिर वहां से सीधा हवेली लौट जाने का आदेश दिया। जब सब लोग लक्ष्मी को लेकर शमशान की तरफ बढ़ रहे थे तो कोई भीड़ में मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। शमशान पहुंचकर माताजी ने रोती हुई लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथों से चिता पर रखा और गांव वालों से कहा, जैसे ही मैं चिता में आग लगाऊं, तुम लोग हाथ जोड़ना और बिना पीछे मुड़े मंदिर की तरफ बढ़ जाना। गांव वालों ने ऐसा ही किया। चिता की जलती हुई लपटों की गर्मी मानो सारे गांव में फैल गई थी। करीब 3 घंटों के बाद माताजी मंदिर पहुंची और गांव वालों से बोली, अभी रात के 12 बजने में 1 घंटा बचा है, कुछ लोग शमशान जाकर चिता की राख ले आओ और सभी गांव वालों में बांट दो। सब लोग अपने अपने घर पहुंचते ही उस राख को अपने मुख्य दरवाजे के पास अंदर की तरफ छिड़क देना। अब वो पिसाचनी कभी लौटकर नहीं आएगी। ये सुनकर सभी गांव वाले प्रसन्न हो गए और माताजी के नाम का जयकारा लगाते हुए शमशान चल दिए। माताजी के आदेश अनुसार सभी घरों में राख छिड़की जा चुकी थी। बेचारी विंता अभी भी बेहोश थी। उधर हवेली में बड़की अम्मा की आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। चांदनी भी लक्ष्मी को याद करके रोते रोते जैसे तैसे सोई थी। आज बहुत लंबे वक्त के बाद गांव के लगभग सभी लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन
अगर कोई जागा था तो वो थी मंदिर में उपस्थित माता जी। जैसे तैसे रात गहरी हो रही थी, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक आती जा रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और अपनी लाठी थामे धीमे कदमों से हवेली की तरफ चल दी। हवेली का भारी भरकम दरवाजा उनकी लाठी के स्पर्श से खुलता चला गया। अपनी चौकनी नजरों से चारों दिशाओं में देखते हुए वो एक कमरे में पहुंची और बिना देर किए अपने कमंडल के जल को सामने नजर आ रहे साए पर फेंक दिया। जल के छींटे पड़ते ही भयानक चीख से हवेली के साथ साथ सारा गांव कांप उठा। कमरे में सो रही बड़की अम्मा इस चीख को सुनकर उठ बैठी। डर की वजह से उनकी धड़कनें बेकाबू हुए जा रही थी। अब तक माताजी मशाल जला चुकी थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंचने लगे थे। माताजी कुछ कहती कि वहीं बिस्तर पर सोई चांदनी भी जोर जोर से रोने लगी। उसकी तरफ ध्यान जाते ही जैसे ही बड़की अम्मा ने उसे गोद में उठाना चाहा, माताजी ने उन्हें रोक दिया और बोली, अभी सबने जिसकी चीख सुनी ये वही है, असली पिसाचनी, कोई इसे मत छुओ वरना मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी। ये सुनकर बड़की अम्मा बोली, आप मुझे कोई पागल नजर आती हैं। पहले लक्ष्मी को पिसाचनी कहकर जिंदा चिते में जलवा दिया और अब मेरी पोती की जान लेने आई हैं। मुझे तो लगता है असली पिसाचनी आप ही हैं। सभी गांव वाले भी एक असमंजस में नजर आ रहे थे। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है। वो बस एक टक माताजी की तरफ देखे जा रहे थे। अब वो क्या प्रतिक्रिया करती हैं? माताजी ने बिना कुछ कहे फिर से अपने कमंडल से जल निकालकर चांदनी पर छिड़क दिया। देखते ही देखते चांदनी के शरीर में हरकत हुई और वो तेजी से चीखती हुई छोटी बच्ची की जगह भयानक पिसाचिनी में बदल गई। बाहर निकले हुए उसके विकराल नुकीले दांत, बिखरे हुए बाल, डरावनी चीखें देखकर वहां उपस्थित सब लोग मानो डर से अपनी जगह पर जम गए थे। बड़की अम्मा भी अपने होश खोकर बस चांदनी का ये रूप देखे जा रही थी। तभी देखते ही देखते आंधी का तेज झोंका आया और उस झोंके के साथ माताजी पिसाचनी को लेकर हवेली के बाहर आ गई और उससे लड़ते लड़ते मंदिर की तरफ पहुंच गई। गांव वाले भी मंत्र मुग्ध से उनके पीछे चले जा रहे थे। माताजी और पिसाचनी एक दूसरे पर वार किए जा रही थी। पिसाचनी के दांतों से टपकता हुआ खून सारी धरती को लाल कर रही थी। अंततः मौका पाते ही माताजी ने एक मंत्र पढ़कर अपनी लाठी पिसाचनी के ऊपर घुमाई। इसके साथ ही वो चीखती हुई माताजी की लाठी में समा गई। सभी जड़ हो चुके लोगों को जब माताजी ने अपनी लाठी से छुआ तो उनकी चेतना लौटी। बड़की अम्मा भी उनमें शामिल थी। उन्हें संबोधित करते हुए माताजी बोली, तुम्हारी छोटी बहू की बेटी मनहूस नहीं थी, मनहूस तो ये थी। पिसाचिनी को जिंदा रहने के लिए मानव रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कोख में रहते हुए धीरे धीरे अपनी चाची का रक्त पीते रही, क्योंकि अगर ये अपनी माँ का रक्त पीती तो तुम लोग शायद इसे भी जंगल में फिकवा देते, जैसे उस मासूम बच्ची के साथ किया। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे रात के अंधेरे में इसने अपना माया जाल फैलाना शुरू किया, जिसे कोई नहीं जान सका। भला छोटी सी बच्ची पर
ध्यान जाता भी तो किसका? मंदिर में फूल फेंकते समय ही मैंने देख लिया था कि इसने कैसे अपनी उंगली घुमाकर फूल को लक्ष्मी के आगे गिरा दिया। इसलिए मैंने लक्ष्मी को जलाने का अभिनय किया ताकि ये बेफिक्र हो जाए कि इसे कोई पहचान नहीं सका और ये बेफिक्र होकर अपना अगला शिकार कर सके, जो कि कोई और नहीं तुम थी बड़की अम्मा। शमशान की अभी मंत्रित राख के कारण ये किसी दूसरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, जबकि अपनी हवेली में तुम्हारे साथ आते हुए बड़ी चालाकी से इसने तुम्हारी मुट्ठी की राख को दरवाजे से बाहर ही फिकवा दिया था और अपनी शक्ति से तुम्हारी नजरों के सामने छलावा प्रस्तुत कर दिया, जिससे तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन अफसोस, इस मूर्ख को पता ही नहीं चला कि इसकी हरकतों पर मेरी पूरी नजर थी। खैर, अब गांव के सभी लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए। अब इस गांव में कभी दर्दनाक चीखे नहीं गूंजेगी। माताजी की बात सुनकर बड़की अम्मा वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्हें बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने उस मासूम सी बच्ची को जंगल में फिकवाने का आदेश दिया था। उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। माताजी को जाते हुए देखकर सहसा बड़की अम्मा बोली, माताजी, मुझे भी मृत्यु दे दीजिए। मैं अब ये श्रापित जीवन नहीं जीना चाहती। अब इस दुनिया में मेरा है ही कौन? है बड़की अम्मा तुम्हारी वही अभागी पोती जो आज तक तुम्हारे स्नेह के लिए तरस रही है, उसके लिए अभी तुम्हें जीना होगा, माताजी ने कहा। उनकी बात सुनकर बड़की अम्मा के साथ साथ गांव वालों को भी भरोसा नहीं हुआ कि भला घने जंगल में फेंक दी गई वो बच्ची जीवित कैसे है, और अगर है तो वो कहाँ है। माताजी ने बिना कहे सबके मन के भावों को पढ़ लिया और बोली, लक्ष्मी ही वो पोती है, वो विंता के पास कैसे पहुंची ये स्वयं वही बताएगी। तभी सबने देखा विंता लक्ष्मी को गोद में लिए मंदिर के अंदर से चली आ रही थी। माताजी के कहने पर विंता बोली, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तब मैं रोते हुए जंगल की तरफ अपने जीवन का अंत करने जा रही थी, तभी मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ की दिशा में जाकर मैंने देखा एक बहुत ही कमज़ोर नाजुक सी बच्ची पेड़ के नीचे पड़ी थी। मैंने जल्दी से उठाकर उसे सीने से लगा लिया, वो भी रोना भूलकर दूध पान करने के लिए मुझसे चिपट गई। तभी मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि मेरी छाती से सचमुच दूध उतर आया है। पेट भरते ही बच्ची चुप होकर मेरी गोद में सो गई। इसे मैंने ईश्वर का संकेत समझा और इस बच्ची को लेकर चुपचाप अपने मायके आ गई। कुछ महीनों के बाद जब मैंने अपने ससुराल में अपने माँ बनने की खबर भिजवाई तो बेटी पैदा होने की बात सुनकर ही उन्होंने मुझे वापस ले जाने से मना कर दिया। अभी तक मेरे मायके वाले भी इसी आस में थे कि बच्ची के जन्म की खबर से ससुराल वाले मुझे अपना लेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उन्होंने मुझे बच्ची समेत घर से निकलने को कहा और स्वयं अपना खर्चा उठाने के लिए कह दिया, और मैं भटकती भटकती इस हवेली में आ गई। विंता की बात सुनते ही बड़की अम्मा उसकी गोद से लक्ष्मी को लेकर दुलारने लगी
और बोली, विंता आज से तू मेरी बेटी हुई और ये अब मेरी परपोती नहीं, मेरी नातिन हुई। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उनकी बात सुनकर विंता ने उनके चरण छू लिए। लेकिन माता जी, लक्ष्मी को तो आपने हमारी आंखों के आगे जला दिया था, फिर ये बची कैसे? गांव वालों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। माता जी पुजारी जी की तरफ देखकर बोली, जब तुम लोग लक्ष्मी को लेकर शमशान की तरफ बढ़े तभी मैंने पुजारी जी को सारी बात बताकर उन्हें भीड़ के बीच से निकालकर शमशान में छुप जाने के लिए कहा। मेरे आग लगाते ही जब तुम लोग मुड़कर वहां से चले गए तब मैंने पुजारी जी की मदद से जल्दी से लक्ष्मी को चिता से उठाया और पुजारी जी को फिर से भीड़ में शामिल होने को कह दिया। 3 घंटे बाद मंदिर लौटते हुए लक्ष्मी सुकून से गहरी नींद में सोई हुई मेरे थैले में थी, जिसे मैंने नजर बचाकर कमरे में विंता के पास पहुंचा दिया। माता जी की बात सुनकर सब आश्चर्य से खड़े थे। सबकी जिज्ञासा शांत करके माता जी जाने लगी तो पुनः एक गांव वाले ने कहा, लेकिन माता जी आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप है कौन और इस वृद्ध अवस्था में भी आप इतनी खतरनाक पिशाचनी का सामना कैसे कर पाई। सभी गांव वाले बड़ी उत्सुकता से इस सवाल का जवाब जानने के लिए माताजी की तरफ देख रहे थे कि तभी मंदिर की सारी घंटियां जोड़ जोड़ से बज उठी और एक तेज हवा का झोंका आया। अगले ही पल सबने देखा वहां माताजी का नामो निशान भी नहीं था। गांव वालों को अब ये भरोसा हो गया कि कोई दिव्य शक्ति ही उन्हें इस आपदा से बचाने आई थी। उनका जय जयकार करते हुए पिशाचिनी से मुक्ति का आनंद मनाते हुए सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट गए। विंता और लक्ष्मी के साथ हवेली जाती हुई बड़की अम्मा के चेहरे पर भी आज दुख की जगह खुशी की एक चमक तैर रही थी। तो ये थी मेरे बचपन में घटी मेरे गांव के पिशाचिनी की कहानी। चलो अब सो जाओ तुम सब, दूर किसी दूसरे शहर में अपने नाती पोतों से घिरी हुई एक वृद्धा ने कहा। सारे बच्चे अपने कमरे में चले गए लेकिन एक बच्चा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अच्छा तो फिर वो पिशाचनी कभी नहीं आई दादी माँ? उस बच्चे ने पूछा। उसे अपने कंधे पर लेकर थपकी देते हुए वृद्धा बोली, नहीं पर जल्दी ही आएगी। ये सुनकर बच्चे ने घबराकर अपनी दादी माँ की तरफ देखा। तब तक वृद्धा के मुंह से निकलते नुकीले दांत बच्चे की गर्दन में घुस चुके थे और अगले ही पल सारा घर पिशाचिनी की भयानक हंसी में गूंज उठा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरी कहानियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।